हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह से टाइपिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी इस तरह की स्टेटस वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह से टाइपिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। तो गाइस, आपको इस तरह से टाइपिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, आपको अलर्ट मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, अगर आपके अलर्ट मोशन ऐप में वाटर मार्क आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ही वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। अनलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको नारेसो 60 के साइज को सिलेक्ट करना है और गाइस आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इमेज एंड वीडियो वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको उस वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। गाइस, अगर आपको ये वाला वॉलपेपर चाहिए है तो आपको इस वॉलपेपर की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर अनलाइट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। अब गाइस आपको इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का था आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको जूम करके फुल स्क्रीन में लगा लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने का था आपको आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको कुछ सॉन्ग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस सॉन्ग की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना है। तो जिस भी सॉन्ग को गाइस यहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं, आपको प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका साउंड यहाँ पर वीडियो में ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं साउंड हमारा ऐड हो चुका है। अब गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एंड में जाना है, साउंड के एंड में जाना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने का टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको लिरिक्स को इसमें लिखना है। तो गाइस, मैंने लिरिक्स को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से गाइस हम लिरिक्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है रोबोटो रेगुलर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आप इसमें जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो गाइस हम इस वाले फॉन्ट को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का था यहाँ से आपको वाइट कलर को इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से गाइस आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप लेटर की साइज को छोटा बड़ा यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। अब गाइस आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर लग चुकी है। अब गाइस आपको लिरिक्स की लेयर को साउंड की लेयर के बराबर कर देना है। आपको लिरिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने का आपको एंड में जाना है। इस तरह से आपको एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लिरिक्स की जो लेयर है वो ऑटोमेटिक साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगी। गाइस आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है टेस्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट प्रोग्रेस इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एंड वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको शुरू में आ जाना है। अब गाइस आपको लेयर के एंड में जाना है इस तरह से। यहाँ पर भी आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक होने के बाद आपको फिर से शुरू में आ जाना है। इस तरह से आपको इसको शुरू में कर देना। गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस वाले ऑप्शनों को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से गाइस आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो है जो यहाँ पर कुछ इस तरह से एडिट हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको साउंड के हिसाब से लेयर को सेट करना है। तो आपको टेस्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद हमारा साउंड यहाँ से आना शुरू हो रहा है। यहाँ से हम इसको होल्ड करके आगे ले जाएंगे तो यहाँ से गाइस हमारा साउंड आना चालू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक कर दी आपका इफेक्ट वीडियो में ऐड हो जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट है जो वीडियो में लग चुका है। अब गाइस आपको इस समय एक और इफेक्ट को लगा देना है। प्लस गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। इस तरह से गाइस आपको इस समय एक और इफेक्ट को लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको एक और इफेक्ट को इस समय सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस इफेक्ट को फुल स्क्रीन में लगा देना है। आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिला फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इफेक्ट फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिला ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉर्डर लाइन के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एंड में जाना है इस तरह से, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लेयर है जो ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम टाइपिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।